जुलाई 2021 ट्रिपल सी एग्जाम शुरू हो चुके हैं। इससे संबंधित 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला मैं सभी लोगों के लिए लाया हूँ, जो एग्जाम जाने से पहले जरूर देखें। और इसी तरह से सीरीज हमारी वीडियो की आएगी, जो 20 प्रश्नों की सीरीज होगी, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगी। आज का पहला क्वेश्चन है, क्या भारत सरकार द्वारा 20, 50, 100 रुपए की करेंसी पेपर और 500 नोट जारी किए जाते हैं? ट्रू है या फाल्स? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फाल्स, क्योंकि जो नोट होते हैं वो आरबीआई के द्वारा जारी होते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट ये जारी किए जाते हैं, ना कि भारत सरकार द्वारा। ये हो जाएगा फाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिल जिसमें डेटा का संचरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय में एक बार, यानी डेटा दो डिवाइस होती हैं, दोनों के बीच डेटा ट्रांसफ़र होता है लेकिन एक टाइम में केवल एक बार, यानी पहले इसके द्वारा जाएगा फिर डेटा आपके इसके द्वारा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हाफ डुप्लेक्स, जैसे वॉकी टॉकी। आपका वॉकी टॉकी एग्जाम्पल होता है आपका हाफ डुप्लेक्स का, जिसमें डेटा दोनों तरफ जाता है और एक साथ दोनों लोग बात नहीं कर सकते। सिंप्लेक्स के उदाहरण है आपके कीबोर्ड, माउस, टेलीविज़न। फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आपको मोबाइल फोन, टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRCTC टिकट बुकिंग के बाद एक पुष्टिकरण ईमेल भेजता है, यानी कि IRCTC एक रेलवे विभाग की वेबसाइट है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन टिकट, रेलवे टिकट और कैटरिंग व्यवस्था और रिजर्वेशन करा सकते हैं। तो जब बुक करते हैं इसके माध्यम से, तो क्या ईमेल पर कोई पुष्टिकरण कन्फर्मेशन मैसेज आता है? ट्रू या फॉल्स? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यस, हाँ आपके ईमेल पे मैसेज आता है। कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो मेल पे आपका पुष्टिकरण मैसेज जरूर आता है। अगला क्वेश्चन है, क्या भीम यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस महात्मा गांधी की मान्यता में विकसित हुआ है? ट्रू या फॉल्स? तो करेक्ट आंसर है बी यानी नो। ये भीमराव अम्बेडकर के याद में दिसंबर 2016 में शुरू किया गया था नोटबंदी के बाद में, और मैक्सिमम 40,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं एक दिन। अगला क्वेश्चन है, CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी होता है? ट्रू या फॉल्स? ये ट्रू है यस, यानी कि ये ईमेल का पार्ट होता है CC यानी कार्बन कॉपी, इसी में होता है BCC यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। प्रिंट निकालने की शॉर्टकट कीज क्या होती है? तो PWD कमांड का यूज करते हैं, डेव का या कंट्रोल पी? यहाँ पर करेक्ट आंसर है कंट्रोल पी, आंसर नंबर एक। API फुल फॉर्म, API का फुल फॉर्म क्या होता है, जो ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है? उसका करेक्ट आंसर है ए यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL लिंक दोनों एक समान होते हैं, यानी जो आपकी URL होती है, URL जब कोई वेबसाइट पे हम गूगल पे कोई वेबसाइट सर्च करते हैं उस पे लिखा होता है www.google.com या इस तरह कोई भी वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो ये URL होता है, तो इसके आगे HTTP भी का रहता है /, तो यहाँ पर बता रहे हैं URL और लिंक दोनों सेम होती है, तो उसका करेक्ट आंसर है ए यानी नो। URL आपकी वेबसाइट होती है, लिंक आपकी कुछ भी हो सकती है, वीडियो की, आइडियो की या कोई वेबसाइट की हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कॉल का एक्सटेंशन है, लिब्रे ऑफिस कॉल के लिए जो एक्सेल का रूट है लिब्रे ऑफिस में है कॉल, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी .ods। ODT होता है राइटर का, ODP होता है इंप्रेस का, लेकिन यहाँ पर कॉल की बात की जा रही है तो इसका करेक्ट आंसर होगा .ods, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IP एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IP एड्रेस यहाँ पे 56 बिट, 138 बिट, कोई नहीं है 32 बिट, तो करेक्ट आंसर है ए यानी 32 बिट साइज का IP एड्रेस होता है। और अगर IPv6 पूछा जाता, 32 बिट जो है यहाँ पर आपका IPv4 का है, लेकिन IPv6 का पूछा जाता तो यहाँ पर होता है 128 बिट, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर है 32 बिट, क्योंकि यहाँ पे ना तो IPv4 का आ गया है ना तो IPv6। प्लॉटर का उपयोग आउटपुट डिवाइस के रूप में होता है? ट्रू या फॉल्स? उसका करेक्ट आंसर है ट्रू यानी सही। प्लॉटर एक प्रिंटर के समान आउटपुट डिवाइस है, जो साइज बड़ा होता है, इससे पोस्टर और होर्डिंग बड़ी बड़ी प्रिंट होती है। कंट्रोल शिफ्ट ओ का प्रयोग किस लिए करते हैं?
तो यहाँ पर प्रिंट करने के लिए या प्रिंट प्रीव्यू या क्लोज या सेव एज, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आंसर बी, प्रिंट प्रीव्यू। ये किस मेनू में पाया जाता है? तो ये आपके फाइल मेनू में मिलता है। ब्लैक ब्लॉक चैन की खोज 2010, 2008, 2007 या 2012, यहाँ पर करेक्ट आंसर है 2008। फॉन्ट वर्क एडिट कर सकते हैं, यानी जो लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट वर्क होता है इंसर्ट मेनू में, जैसा कि वर्ड आर्ट का यूज करते हैं मैं शॉर्ट में, उस तरह से फॉन्ट वर्क होता है, तो उसको अगर हमें एडिट करना है तो कितनी बार क्लिक करेंगे, डबल क्लिक या सिंगल क्लिक, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकली आप सभी लोगों को बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिब्रे ऑफिस हम राइटर हमने ओपन किया, इंसर्ट पे आए, इंसर्ट पे ही ऑप्शन मिलता है आपको फॉन्ट वर्क। जैसा कि आप वर्ड आर्ट यूज करते आए हैं एमएस वर्ड में, तो फॉन्ट वर्क आपको इंसर्ट मेन्यू में इसमें मिलेगा, नाम चेंज है इसमें, वर्ड आर्ट कहते हैं इसमें फॉन्ट वर्क कहते हैं। अब यहाँ पे कोई स्टाइल से हमने ले लिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे अगर हमें एडिट करना है तो डबल क्लिक कर देंगे, तो आप कुछ ने लिख दिया यहाँ पे, लीजिए अगर कुछ भी इसमें एडिट करना है सही करना, दो बार इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर से हम इसमें कुछ भी नाम चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आंसर ए, यानी डबल क्लिक करके हम फॉन्ट वर्क एडिट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर क्या घड़ी भी बंद हो जाती है? यानी जैसे कि इसमें 12:05 हुआ है और कंप्यूटर हम यहाँ पे ऑफ कर दें, फिर अगले दिन हम ओपन कर रहे हैं 3 बजे, तो क्या जो बंद किए तो वही टाइम दिखेगा या लेटेस्ट जो प्रेजेंट टाइम वो दिखेगा? तो यहाँ पे फाल्स होगा, यानी कि कंप्यूटर जब बंद होता है तो कंप्यूटर की घड़ी नहीं बंद होती है। आप जैसे 5 बजे बंद किए उसे आप खोलेंगे 8 बजे, तो 8 बजे का समय शो करेगा। अगला क्वेश्चन है, क्या उमंग ऐप गुजराती भाषा में उपलब्ध है? ट्रू या फाल्स? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ट्रू, क्योंकि उमंग ऐप भारत सरकार द्वारा गैस बुकिंग, टिक, ITR, टैक्स फिल करने के लिए बेहद ही बेहतरीन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का ऐप है, जो नवंबर 2017 में शुरू हुआ था, तो ये कई भाषाओं में उपलब्ध है। कौन ई कॉमर्स नहीं है? B2B, B2C, B2G या B2E? यहाँ पर करेक्ट आंसर है आंसर डी, यानी B2E कॉमर्स वेबसाइट या कॉमर्स वर्क नहीं है, लेकिन B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, ये सब आपके ई कॉमर्स हैं, लेकिन B2E कॉमर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए आवश्यक नहीं है ईमेल ID, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, नोटा? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, यानी मोबाइल नंबर अगर हम ईमेल को भेजना चाह रहे हैं किसी को तो ये आवश्यक नहीं है कि मोबाइल नंबर हम भेजें, मोबाइल नंबर भेजो या ना भेजो, लेकिन ईमेल ID और सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। लिब्रे ऑफिस में खुले प्रोग्राम को बंद करने के लिए कौन सी की का यूज़ करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर या कोई भी प्रोग्राम अगर आपने ओपन किया है उसे क्लोज करना है तो उसकी शॉर्ट कीज होती है Ctrl W। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स।